हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाली रुपिंदर एचएमबीटी सैलून में आपका स्वागत करती हूँ। आज बड़ा अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि मैम बताइए कि अगर ब्राइडल का या नॉर्मल हमारे क्लाइंट्स का स्किन ऑयली है या ड्राई है तो हम कैसे पहचाने, मतलब कैसे पता चलेगा उनकी स्किन ऑयली है और ड्राई, और कैसे प्रिपेयर किया जाए उस चीज़ को। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले क्लाइंट से आपने बात करनी है, उसका पूछना है। एक रिक्वेस्ट बीच में करने वाली हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, तो अगर सबसे पहले आपने क्लाइंट से पूछना है कि मैम आप जब सुबह उठते हैं तो आपके फेस पर ऑयल आता है या आपका फेस बिल्कुल अकड़ापन सा महसूस होता है, मीन्स लाइक ड्राई रहता है, सूखा सूखा, तो ये क्वेश्चन पूछना है। और दूसरा नंबर, कई बार किसी के टी जोन पे ही ऑयल आता है, वो भी आपने बात पूछनी है कि सिर्फ ऑयल यहीं पर आता है या चिक्स पे भी आता है। तो ये दो क्वेश्चन करने के बाद आपने थर्ड क्वेश्चन ये करना, ऐसे करना है कि आपको उनकी स्किन का, उनको इस चीज़ का भी नहीं पता, उन क्लाइंट को ये नहीं समझ आ रहा कि कैसे, उसको नहीं पता चल रहा ठीक है कि नॉर्मल है या ड्राई है, वट एवर। लेकिन आपने देखना कि अगर उनके स्किन पे, फेस पे पिंपल्स हैं तो इट मींस उनके फेस पे ऑयली है, उनकी स्किन ऑयली है। तो उस हिसाब से आपने CTM करना है, क्लिंजिंग, टर्निंग, मॉइस्चराइजिंग। एंड अगर उसकी फेस पे कोई पिंपल नहीं है, स्किन क्लीन है, जस्ट पिगमेंटेशन हैं, ओनली शाइयाँ हैं, तो इट मीन्स वो मॉइस्चराइज़र बहुत कम यूज़ करते होंगे। पिगमेंटेशन उन बंदों को होती है ज़्यादा से ज़्यादा जिनको मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन बहुत कम लगाते हैं ठीक है। और ये चीज़ का भी आप अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। एंड ये एक, यही दो तीन चीज़ों से आप पता कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कैसे पता किया जाए। वैसे एक स्टिक्स भी आती हैं स्किन टेस्टिंग के लिए, बट इतने पैसे हमारा क्लाइंट अगर दे ही नहीं रहा तो हम वो टेस्टिंग स्टिक्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत महंगी पड़ जाएंगे हमें। तो दूसरा नंबर एक क्वेश्चन था मैम, हमें बताएं कि ऑयली स्किन वाले CTM कैसे किया करें, ऑयली स्किन वाले क्लिंजिंग। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्लिंजिंग जो होता है बहुत ऑयली होता है, अगर आपने क्लिंजिंग लेना है तो लिखा होना चाहिए दिस क्लिंजिंग मिल्क फॉर ऑयली स्किन, तो वो लीजिए। नहीं तो अगर आप क्लिंजिंग ले रहे हैं जेल बेस में क्लिंजिंग लीजिए, वो ऑयली ऑयली स्किन के लिए द बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास है ही नहीं है वही नॉर्मल वाला आयुर का, निविया का क्लिंजिंग आप यूज़ कर रहे हैं हर किसी कस्टमर पे, तो जिनके बहुत सारे पिंपल्स हैं उनको तो, उनके तो पिंपल्स और बढ़ जाएंगे बल्कि उससे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे, या मिल नहीं रहा, वैसे अमेज़ॉन से ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा जेल बेस क्लिंजर, कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलता तो आप जो क्लिंजर यूज़ कर रहे हैं बस उसकी क्वान्टिटी का थोड़ा आइडिया रख लीजिए, ड्राई स्किन वालों की क्वान्टिटी ज़्यादा होगी और ऑयली स्किन वालों की क्वान्टिटी क्लिंजिंग की बहुत थोड़ी सी होगी, तो आपने फेस साफ़ करना है उससे कस्टमर का। उसके बाद टॉनिंग यूज़ करनी है, टोनर आपने नॉर्मल वालों पे तो रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, और ऑयली स्किन वालों पे एस्ट्रीजेंट टोनर होता है जो हम आईब्रो थ्रेडिंग के बाद यूज़ करते हैं, वो तो उससे क्या होगा ऑयल उनका कम हो जाएगा, वो उससे आपने टॉनिंग देनी है। ध्यान रखिए आईज़ में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, आई एरिया को छोड़ के आपने सारे फेस पे उसको लगाना है। और जिनके बहुत सारे पिंपल्स होते हैं वो भी ये यूज़ कर सकते हैं, एट नाइट टाइम सोने से पहले अपने फेस को एस्ट्रीजेंट से साफ़ करें, उससे पिंपल्स बहुत जल्दी आपके ठीक हो जाएंगे, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑयल ख़त्म हो जाता है, फेस ठीक हो जाएगा आपका धीरे धीरे। बट इससे साफ़ करने के बाद आपको हल्का सा मॉइस्चराइज लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फेस जो है ख़राब ना हो ठीक है। अच्छा जी, और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र क्या लगाएं, ये टॉनिंग के बाद मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाएं, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, कमेंट्स में बहुत बार आया है, तो मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाना है ऑयली स्किन वाली। तो आपने हमेशा ये चीज़ पढ़ के लेनी होती है कि क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, तो हमने जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही लगाना है। अगर उनकी स्किन ज़्यादा ड्राई होगी है इस टॉनर से, रेगुलर करोगे तो बहुत ड्राई हो जाएगी, तो
तो फिर आपने क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, लेकिन आप जब मेकअप कर रहे हैं देन यू विल यूज़ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अच्छी से अच्छी कंपनी का भी ले सकते हैं, नॉर्मल कंपनीज के आपको अमेजोन से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपने आप मेकअप का कुछ कैसे भी यूज़ करें, आपकी स्किन रेडी है मेकअप के लिए, आप ऑल स्किन टाइप वाला प्राइमर भी लगा सकते हैं, ऑल स्किन टाइप वाला फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो है रेडी हो चुकी है मेकअप के लिए। आपके क्लाइंट के फेस पे थोड़ी देर बाद ऑयल नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप क्लाइंट का बिल्कुल आपने जो फर्स्ट स्टेप ही गलत कर दिया, ऑयली वालों को ड्राई दे दिया, ड्राई वालों को बोल दिया, तो आपके क्लाइंट को जितना अच्छे मर्जी कंपनी का आप मेकअप दे दीजिए वो ख़राब होगा ही होगा, ठीक है। और मेरे को मैंने कितने सारे रीड किए थे अभी क्वेश्चन कि हमें इसका बताएं उसका बताएं। अच्छा हाँ, एक किसी ने मुझे पूछा था कि मैम ऑयली का डर्मा कैमाफ्लू सबको पता है गर्मियों में बेस्ट रिज़ल्ट है, तो एक हाँ सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर कौन सा यूज़ करना चाहिए, ट्रांसल्यूशेंट पाउडर हो मिलता है जिसका कोई शेड नहीं होता, वो सब पे चल जाता है, आप वो रख सकते हैं। अच्छी से अच्छी कंपनी में भी मिल जाएगा, मैक में, सिफोरा में, अगर नॉर्मल में लेना है तो आप NYX का ले सकते हैं, उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो ये थोड़ी सी छोटी सी गाइडनेस है, मे बी आपको शायद पसंद आए और आपकी कुछ हेल्प हो सके, मे आई विश इस चीज़ से। तो अगर आपकी कुछ हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं कुछ आपको दिखा नहीं रही आज, बट सिर्फ जस्ट मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर दिए हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है। आगे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।